सो हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने Realme 3 एंड गाइज यहाँ पे Realme 3i के अंदर Realme UI का यहाँ पे बीटा वर्जन का अपडेट ले। तो यार इस वीडियो के साथ आप लोग एंड तक बने रहिए एंड गाइज वीडियो के बारे से आप लोग लाइक करना, चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी एक बार से आप लोग प्रेस कर लेना। तो चलिए उस आज का वीडियो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। गाइज यहाँ पे Realme ने कल ही एक बीटा टेस्टिंग का जो दोस्तों यहाँ पे अपडेट है उसको दोस्तों ओपन कर दिया है फॉर Realme 3 एंड Realme 3i। तो गाइज यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले जो कि आप लोगों का डिवाइस यहाँ पे एक लेटेस्ट वर्जन के साथ यहाँ पे जो कि अपग्रेड होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे मैं अगर आप लोग का अभी फिलहाल दिखाऊँ इसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे क्या है, तो गाइज यहाँ पे जो कि आप लोग देख सकते हैं 11_8.26 वाला एक न्यू अभी जो कि फिलहाल वर्जन है इसके अंदर। लेकिन गाइज यहाँ पे जो कि आप लोग का एक A28 वाला एक न्यू वर्जन देखने को मिलेगा सबसे पहले, जो कि उसको एक बार से आप लोगों को यहाँ पे अपडेट कर लेना है। तो गाइज यहाँ पे जो कि अभी तक इसके अंदर अपडेट रिसीव नहीं हुआ है, तो गाइज यहाँ पे जो कि मैनुअली इसको करने वाले हैं हम लोग अपडेट। तो गाइज यहाँ पे जो कि आप लोग मैनुअली अपडेट कर सकते हैं, मैनुअली अपडेट का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोगों को बताया इस वाले डिवाइस के अंदर अभी तक ये जो कि अपडेट रिसीव नहीं हुआ है। सो गाइज इसको जो कि एक बार से कर लेते हैं मैनुअली अपडेट। तो गाइज यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद एक बार से जैसे आप लोग इसके अंदर टैप करेंगे देन गाइज यहाँ पे जो कि आप लोगों का अपग्रेड नाव का ऑप्शन आएगा। तो एक बार से उस यहाँ पे अपग्रेड नाव पे आप लोग जैसे ही क्लिक कर देंगे देन गाइज यहाँ पे जो कि आप लोगों का अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे ये फोन सक्सेसफुली हो चुका है एक न्यू वर्जन के अंदर अपग्रेड। तो गाइज यहाँ पे मैं एक बार से आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट में जाने के बाद तो गाइज यहाँ पे जो कि आप लोग अभी देख पाएंगे इसके अंदर जो कि एक न्यू वर्जन ऐड हो चुका है 11_8.28 वाला। इससे पहले दोस्तों था यहाँ पे 26 वाला। ओके तो गाइज यहाँ पे जो कि आप लोग अपडेट लॉग के अंदर दिखाई देगा एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जो कि है यहाँ पे अप्रैल का। एंड गाइज यहाँ पे अगर कुछ बग्स था तो इसको जो कि फिक्स किया गया है। तो गाइज यहाँ पे Realme UI का जो बीटा टेस्टिंग का एक अपडेट है इसको लेने के लिए क्या करना होगा, इस वाले अपडेट को करने के बाद एक बार से आप लोग जाएंगे सॉफ्टवेयर अपडेट में। देन गाइज यहाँ पे जो आप लोगों को सेटिंग्स का एक सिंबल दिख रहा होगा ऊपर में, तो इसके अंदर एक बार से आप लोगों को टैप कर लेना है। देन दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोगों को ट्रायल वर्जन का ऑप्शन एक आएगा ऊपर में, तो इसके अंदर एक बार से हम लोग जाते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टेप के इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा, ये देखिए Realme UI ओपन बीटा Realme 3 एंड Realme 3i, तो इसके अंदर एक बार से आप लोगों को चले जाना है। तो गाइज यहाँ पे जो कि टोटल इसका कोटा है 2500 एंड गाइज यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये देखिए अभी भी बचा हुआ है 1569। देन गाइज यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एक मोबाइल नंबर का, तो एक बार से आप लोग दोस्तों यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेना। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप लोग को अप्लाई नाउ के अंदर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, ओनली दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का एक मोबाइल नंबर डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बार से अप्लाई के अंदर हम लोग करेंगे क्लिक। देन गाइज यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए एप्लीकेशन सक्सेसफुल। देन गाइज यहाँ पे जो कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए यू कैन चेक फॉर एन अपग्रेड टू द बीटा टेस्ट ट्रायल वर्जन इन सेटिंग सॉफ्टवेयर अपडेट। तो गाइज यहाँ पे एक बार से हम लोग कर देते हैं इसको डन। देन गाइज यहाँ पे एक बार से हम लोग चेक करेंगे कि अभी तक जो कि अपडेट आया है फिर नहीं आया। तो गाइज यहाँ पे जो कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए 2.45 GB का दोस्तों यहाँ पे एक टोटल एक अपडेट है।